ईद मुबारक। इसमें तुमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। फ्राइड नानी ने किया और बाकी सब मैंने किया। शाबाश। चिकन, फिश, अंडा एंड सैलड। मैंने आज फर्स्ट टाइम चिल्ली प्ले बटन देखी सो। हमने ही अब वो दतांगली जगा मतलब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी हूँ मैं अपने घर में, आप सभी को पता ही है। एंड आज है ईद, तो सबसे पहले ईद मुबारक। और मैं ऐसे सज धज के रेडी हुई हूँ अपने फ्रेंड के घर में जाने के लिए। रीजू के घर जा रही हूँ। वो मुझे कितने दिनों से बुला रहे थे, लास्ट ईयर में भी उसने मुझे बहुत बार बुलाई, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि ईद के दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को बुखार आ गए थे, तो जिसके वजह से मैं नहीं जा पाई। उसे भी बहुत बुरा लगा और मुझे भी बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वो बहुत पहले से मुझे बुलाती रहती कि ईद में आना, ईद में आना, ईद में आना, बट ईद में जाके कुछ ना कुछ मेरे को हो ही जाते। बट इस साल मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ और इसीलिए अभी जाते उसके घर में। वैसे तो मैंने उसे कब का बोल दिया कि मैं आ रही हूँ, बट मेरा होता ही नहीं है, मैं तैयार हो ही नहीं पाती जल्दी, मेरे को लेट हो ही जाती है हर जगह। बट अभी ज्यादा देर नहीं करते, चलते उसके घर में। सो लेट्स गो। ये मेरा भाई है, देख हम। हमारे इधर ना ऐसे ही ऑटो वगैरह नहीं मिलते, बहुत घंटों घंटों बाद एक दो करके जाते हैं। ऊपर से आज ईद है तो एक भी टोटो ऑटो इधर से नहीं जा रहे, जो जो जा रहे हैं वो फुल है, एकदम फुल। तो अब क्या कर रहे हैं, पैदल इतना दूर नहीं जा सकते, इतने धूप में मेरे को पैदल नहीं जाना है। वैसे तो धूप में ही खड़ी हूँ, अलग बात है, बट फिर भी ये छतरी गंदी है क्या? हाँ गंदी है। अब एक्टिंग करोगी, तुम पहली बार देख रहे हो मुझे। हाँ ये लुकिंग नाइस, तुम्हारा ड्रेस बहुत सुंदर है। ओ खुरा की खबर। आसू आसू, हाय, ईद मुबारक। दूसरी वाली भी पहन ना, बाद में फोटो खींचना, मैं देख रही हूँ। तेरे को देख के गाना याद आ गया, शाही जोड़ा पहन के आई जो बन थके। अब थैंक्स बोलो बहुत सारा। थैंक यू। अच्छे से बोलो। थैंक यू। इधर देख के बोलो। थैंक यू चंदू। ओके हो गया, इसके लिए डन। अच्छा लगा, चुनरी भी अच्छा लगा और इसका ये मुझे अच्छा लगा डिजाइन। बट तुम जो पहनी हुई वो भी अच्छी लग रही है। चुक 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 चुक। हाथ किधर है? सो गाइस, हाँ किससे बनाया तुमने? अपने हाथों से, सच में बताओ। इसको अपने हाथों से मैंने देखा में, तुमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। फ्राइड नानी ने किया और बाकी सब मैंने किया। शाबाश। बेले मैंने, कांटे मैंने। बहुत जल्द तुम अच्छी बहू बनोगी। सर्वगुण संपन्न, तू खुद नहीं ले सकता। इतना सारा खाने के बाद बोल रहा है फिर से खाना खाना पड़ेगा, मैं कैसे खाऊंगी बताओ। हाँ मैं खा सकती हूँ, बट एक साथ में इतना नहीं खा सकती। अगर मुझे ये सारा खाना खाना होगा तो मुझे रुक रुक के खाना पड़ेगा, ये पहले खाया, एक घंटे बाद वो खाया, फिर मैं ऐसे करके पूरा दिन खा सकती हूँ, बट एक साथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को। बट ये खा सकता है, तुम भी लाओ ना कुछ थोड़ा सा, या फिर मेरी प्लेट से ही खाओ थोड़ा। दिस इज सो क्रिस्पी। मैं तो शर्माती भी नहीं, कहीं भी नहीं शर्माती। तू ईद के बाद भी रोजा रखा कर, तू और पतली हो जाओगी, अच्छा भी है शरीर के लिए। मैं तो फास्टिंग करती हूँ, मैं कभी कभी करती हूँ, मैं रोज करती हूँ 16 घंटे। सुबह मैंने कुछ नहीं खाई थी, बस घर पे मैंने थोड़ा सा नारियल पानी पिया और कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो वैसे ही मैं आ गई। और यहाँ पे आके मैंने इतना सारा मीठा खा लिया एक साथ, अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ना उल्टी आने को, मतलब उल्टी आना चाह रहा है। तो यहाँ पर मैंने नींबू पानी मंगवा ली है, जिसमें सिर्फ नींबू पानी और नमक देने को बोला मैंने इसे। पता नहीं ये कैसे सुबह से क्या खाया तूने, सेवई और क्या खाया, जलेबी, वैसे ही है। मैं अब तक बेहोश हो जाती,
मैं खाली पेट इतना मीठा नहीं खा सकती। मैं मीठा खा सकती हूँ बट चावल खाने के बाद या फिर कुछ भी हैवी सा खाने के बाद। सो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं पुलाव, चिकन, फिश, अंडा एंड सैलड। वैसे तो हमने बोला कि हमें नहीं खाना, हमें जाना है, बट इसने हमें रोक लिया और अभी खाने पड़ेंगे। सो गाइस अभी रिजू के घर में मस्त खा पी के हम जा रहे हैं दुकान, मुझे थोड़े से सामान चाहिए और ये ऐसे ही अपने घर से बाहर आ गई है थोड़ा घूमने। इतनी कड़कती भड़कती धूप में लोग ऐसे ही घूम रहे बिना छतरी के, जैसे कि मैं। यार मेरा स्किन सेंसिटिव है इसलिए मैं छतरी लेती हूँ, वरना किसको ही शौक है वाला। हमारे घर पे पधारे मेरी दो छुटकी छुटकी बहन, स्वागत है आप सभी का मेरे घर पे, बैठ जाइए आप। सिल्वर गोल्डन देखी थी लाने आते डायमंड। रुको नहीं हुआ, 3 2 1 गो। गाइस नासोनी सुंदर सुंदर और ये हमारे सुंदर सुंदर मास्टर्स, ये दादा हमारा। और अभी कुछ नहीं, अभी बस क्या हो रहा है, सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं और हम दोनों बैच है ऐसे ही सब बीमार और वो गुस्से में है क्योंकि वो ना ही ब्लॉग पे आ रहे ना ही रील्स पे, बेचारी सो सैड फॉर हर कंडीशन। तुम বাইদেউ ভালেই লাগছিল ৰঙা চাহে বুজছে ভাল লাগছে मैं अपने घर में और मेरे हाथ में ही मेरा फेवरेट आम पन्ना और मैं इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करने वाली हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हेक्टिक डे था बोल सकते हो। यहाँ से वहाँ भागते भागते मेरी हालत ही खराब हो गई। सुबह गई मैं रिजू के घर में,
फिर वहां से आके थोड़ा काम वगैरह किया। उसके बाद मतलब आए गए मेहमान और फिर उन लोगों के साथ में वर्कशॉप पे गई और वहां से अभी आई हूँ और अभी शाम के नहीं रात के 8 बज रहे। तो या आज का व्लॉग यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।